Hi everyone, I am Chanchal Bhardwaj and you are watching my channel Insightful Education. और आज हम पढ़ेंगे the uses of since and for. तो since को और for को कहाँ use करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपना video. So since और for हमेशा time के लिए use होते हैं. जब भी हम अपने sentence में time की बात करते हैं कि इतने सालों से, इतने दिनों से, इतने week से, इतने हफ्तों से मैं ये कर रहा हूँ, वो ये कर रहा है, तो इन सब चीजों की अगर हम बात करते हैं कि कुछ टाइम से, पिछले कुछ टाइम से, जब भी हम किसी भी ड्यूरेशन की बात करते हैं, टाइम ड्यूरेशन की, टाइम पीरियड की, किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम की, तो हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं. ठीक है, तो फॉर टाइम के लिए यूज होता है हमेशा ये सिंस और फॉर. चाहे सिंस की बात कर ले, चाहे फॉर की बात कर ले, दोनों टाइम को डिनोट करने के लिए यूज होंगे. एंड हम सिंस और फॉर जब यूज करते हैं, जब हम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या गिवन पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं. अब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम माने फ्यू वीक्स, फ्यू डेज, सम इयर्स, मतलब हमें पता नहीं है, एक पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, जहां गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस 10 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट डे, सिंस मंडे, ये सब चीजें हम यूज करते हैं. ठीक है, तो अब हम इनके यूजेस देख लेते हैं विद एग्जांपल कि किस चीज के साथ क्या यूज होता है. ठीक है, तो सिंस हमारा जो है ना, वो हमेशा गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज होगा. मतलब एक क्लियर पॉइंट हमें दिया होगा टाइम का कि इस वाले महीने से महीने का नाम होगा, मंथ का नाम होगा, इस वाले दिन से, मंडे से, 26 जुलाई से, कुछ भी. ठीक है, मतलब अगर आप किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, उसके साथ हमारा सिंस यूज होगा. जैसे कि गिवन पॉइंट ऑफ टाइम क्या है. और दूसरी बात ये और ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और हमारा जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसी में यूज होगा. ये सिर्फ परफेक्ट टेंसेस के साथ यूज होता है और किसी टेंस के साथ ये यूज नहीं होता. क्या यूज नहीं होता? सिंस. ठीक है, तो अब हम बात करें सिंस लगता कहाँ है. सिंस लगता है सिंस मॉर्निंग. ठीक है, सुबह से. आज सुबह की बात हो रही है तो सिंस मॉर्निंग. सिंस 10 o'clock, 10 बजे से. ठीक है, सिंस सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर से. ठीक है, सिंस मंडे, मंडे से. मतलब मान लीजिए अगर मैं बात करती हूँ कि मैं 1993 में बोर्न हुई थी, तो मैं 1993 से दिल्ली में रह रही हूँ. तो मतलब अगर मैं ये बात करूं तो मैं ये बोलूंगी आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1993. लेकिन अगर मैं फॉर यूज करूंगी तो कब यूज करूंगी? जब मुझे हमें एग्जैक्ट ईयर का नहीं पता है. जैसे कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 30 years. ठीक है, लास्ट अगर आता था तो भी हम सिंस यूज करेंगे, अगर लास्ट नहीं आता है तो फॉर 30 years, जिसका मैं टाइम पीरियड नहीं पता हो. ठीक है, कि कौन से एग्जैक्ट ईयर से हमने यहाँ रहना शुरू किया था. देन सिंस मॉर्निंग, सुबह से. सिंस 10 o'clock, 10 बजे से. सिंस सेप्टेम्बर, सिंस मंडे, सिंस 1993, सिंस लास्ट वीक, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टाइम. मतलब ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इनमें आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिख रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ डे दिख रहा है, एग्जैक्ट मंथ आपको शो हो रहा है, एग्जैक्ट आपको टाइम, जो क्लॉक का टाइम है वो शो हो रहा है. ठीक है, पिछला हफ्ता, तो आप आज के हफ्ते से पिछले हफ्ते का अंदाजा लगा सकते हो. तो जिसके साथ भी लास्ट आ जाता है ना, उसमें हमेशा सेंस लगता है. मॉर्निंग इवनिंग के साथ सेंस लगेगा. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. अब दूसरी बात हम कर लेते हैं फॉर की. तो फॉर हमारा यूज होता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जहां हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, बस हमें इतना पता है कि 10 सालों से कोई पढ़ा रहा है, 6 सालों से कोई पढ़ रहा है. ठीक है, कुछ दिनों से कोई लाइब्रेरी जा रहा है. तो ये सब चीजें जब हमें नहीं पता होती, तो एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता होता, तब हम फॉर का यूज करते हैं. तो यूज विद ऑल द टेंसेस, और ये सब टेंसेस के साथ यूज होगा. इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आलू है, हर किसी के साथ चला जाता है. ठीक है, देन फॉर फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ सेकेंड्स से. फॉर 10 मिनट्स, 10-10 मिनट से. फॉर 6 डेज, 6 दिन से. फॉर अ वीक, 1 हफ्ते से. फॉर 7 ईयर्स, 7 साल से. फॉर 2 डेकेड्स, 20 सालों से. फॉर एवर, हमेशा के लिए. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है सिंस और फॉर का. आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सीधा सीधा ये याद रखो कि भाई सिंस कहाँ यूज होगा. कि आपको पता होगा कि हमारा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं, उनमें हैव बीन, हैज बीन ये लगता है. ठीक है, और आईएनजी के साथ तब हम सिंस लगाते हैं. फॉर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, फॉर सबके साथ लग जाएगा. पर फॉर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सब में लगता है. ठीक है, अब इसकी और इसकी सिर्फ इतनी आपको एक दिमाग में एक फिट कर लेना है कि ये एकदम एग्जैक्ट टाइम बताएगा तब यूज होगा,
और ये हमारे हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होगा तब यूज करेंगे। तो अब हम दोनों के थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सिंस और फॉर के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सिंस का यूज किस तरह होना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल है आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1995। देखिए सिंस में मैंने आपको बोला कि सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंसेस के साथ यूज होगा, तो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंसेस ही आएंगे। Have been cribbing, learning, reading, married, living, ठीक है। तो ये इन्हीं के साथ यूज होगा had been, ठीक है, जहां पर had been, will have been, shall have been ऐसे आ जाता है तभी यूज होता है, ठीक है। देन सबसे पहले देखते हैं आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1995, मैं 1995 से दिल्ली में रह रहा हूं, तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम विद परफेक्ट टेंस, ठीक है, और एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आपको दे रखा है। अब आपके अगर हम एग्जाम की बात करें उसमें अगर आपको ऐसे दे देते हैं, ठीक है, आपको मान लीजिए ऐसे दे देते हैं, यहां पर लिख दिया मैरी, ठीक है, यहां पर हैव बीन ऐसे लगा दिया, या फिर अगर सिंस और फोर के यूज में आता है तो आपको दे देते हैं वी हैव बीन, ठीक है, यहां पर मैरी का आ गया, फिर यहां पर आ जाता है दूसरा सिंस और फोर, ठीक है, तो आपको ऐसे दे देते हैं। तो आपको हमेशा जब भी आपको एग्जैक्ट टाइम दे रखा है ना तो आपको हमेशा और हमेशा सिंस ही यूज करना है, आंख बंद करके सिंस लगाइए जब आपको टाइम एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको सोचना ही नहीं है, और हमेशा सिंस वहीं लगेगा जहां हैज बीन हैव बीन आ रहा है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये सेंटेंस था वी हैव बीन मैरिड सिंस, हम 2016 से शादीशुदा हैं, ठीक है। देन ही हैज बीन रीडिंग बुक सिंस ही ज्वाइन द लाइब्रेरी। अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखना, इसमें लिखा है ही हैज बीन रीडिंग बुक्स आएगा क्योंकि जब से वो लाइब्रेरी है तब से बुक्स पढ़ रहा है, बुक नहीं पढ़ रहा, एक ही बुक नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो ही हैज बीन रीडिंग बुक्स सिंस ही ज्वाइन द लाइब्रेरी, जब से उसने लाइब्रेरी ज्वाइन की है तब से वो बुक्स पढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जब एक स्टार्टिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम दे रहे, जब से उसने लाइब्रेरी ज्वाइन की, जो मैंने आपको यहां से दिखाया था कि सिंस के यूजेस में क्या है, तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम आया था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिंस ही ज्वाइन द लाइब्रेरी, जब से उसने लाइब्रेरी ज्वाइन की है। तो यहां भी हम सिंस का यूज करते हैं जब कोई हमें स्टार्टिंग दे देता है किसी काम की शुरुआत की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगला भी देख लेते हैं दे हैव बीन लर्निंग डांस सिंस देयर चाइल्डहुड, वो बचपन से डांस सीख रहे हैं, ठीक है। इट हैज बीन एजेस सिंस वी वेंट फॉर अ पिकनिक, बहुत दिन हो गए, मतलब सालों, बहुत समय हो गया है जब से हम पिकनिक पर नहीं गए हैं, ठीक है, जब से हम गए हैं, मतलब लास्ट बहुत समय पहले गए थे, अब तक हम जा ही नहीं पाए, ऐसे बोलते हैं ना, यार कब गए थे, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल तरह होते हैं, यार इतने दिन तो हो गए कब गए थे, तो वैसे वाला ये है। इट हैज बीन एजेस, बहुत समय हो चुका है जब से हम पिकनिक गए थे, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कब वो लास्ट काम हुआ था, उसके बाद अगर आप किसी चीज से कंपेयर कर रहे हो तब भी आप क्या लगाओगे कि हम लास्ट तब गए थे, अब प्लान बना लो, कोई प्लान नहीं कर रहा, ठीक है, वैसा। देन यू हैव बीन क्रिबिंग एवर सिंस यू हैव अराइव, तुम जब से आए हो जब से क्रिप कर रहे हो, क्रिप माने किसी के बारे में बस बुरा 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 बोलना है, किसी चीज के बारे में मतलब हर चीज में नेगेटिविटी देखना, वैसे बंदे को क्रिप, मतलब वैसे इंसान, वैसी बातों को क्रिप करना बोलते हैं। तो यू हैव बीन क्रिपिंग एवर सिंस यू हैव अराइव, जब से तुम आए जब से बस क्रिप कर रहे हो, ठीक है, जब से बस बड़बड़ कर रहे हो। देन अब हम फॉर के, इसमें आपने एक चीज, दो चीज आपको क्लियर होगी, तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम आपको क्लियर हो गया परफेक्ट टेंस के साथ, आपको गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जाएगा, दूसरा आपको ये क्लियर हो गया कि जब भी हम एक प्रॉपर टाइमिंग नहीं भी देते हैं लेकिन अगर आपको ये दे रखा है कि जब से तुम आए हो, जब से इसने ज्वाइन किया है, जब से ये काम शुरू हुआ है, जब से हमने ये सीखा है, तो ऐसा कुछ आ जाता है तब भी हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम फॉर के यूजेस देख लेते हैं, ये सिर्फ परफेक्ट टेंसेस के साथ यूज होगा, अब इसका देख लेते हैं हर एक टेंस के साथ यूज होगा। जैसे कि पहला है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, ठीक है, दे वॉच टेलीविजन फॉर 1 आवर एवरी डे, वो रोज 1 घंटे के लिए टेलीविजन देखते हैं,
तो आपको पता होगा कि जब हम एवरीडे लाइफ की बात करते हैं तो वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट, और उसके बाद हमारा क्या लग गया इसमें, फॉर कितने घंटों के लिए, 1 घंटे के लिए, ठीक है, टाइम से पहले. दे विल बी ट्रेवलिंग फॉर 2 आवर्स बाय बस. वो 2 घंटे से बस में ट्रेवल करेंगे, 2 घंटे के लिए बस में ट्रेवल करेंगे. तो टाइम के साथ हमारा आ गया फॉर 2 आवर्स, ठीक है, और ये हमारा हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. देन ही हैज बीन लिविंग इन चेन्नई फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो चेन्नई में बहुत दिनों से, बहुत समय से रह रहा है, काफी समय से रह रहा है, ऐसे बोलते हैं ना. तो हमें एक परफेक्ट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है कितने सालों से रह रहा है, लेकिन हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि वो बहुत समय से रह रहा है. तब हमारा हैज बीन लिविंग आ गया, सेम परफेक्ट टेंस में आ गया, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. आई वर्क एज अ टीचर फॉर 5 ईयर्स. मैंने 5 साल के लिए एज अ टीचर काम किया है, ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनाइट, ठीक है. देन ही लिव्ड फॉर 50 ईयर्स. वो 50 साल जिए, ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनाइट. आई विल अटेंड द कॉन्सर्ट फॉर फ्यू मिनट्स ओनली. मैं सिर्फ कुछ मिनट के लिए कॉन्सर्ट अटेंड करूंगा या करूंगी, तो ये हमारा फ्यूचर जो सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनाइट. देन ये सब आपको ध्यान में रखना है. देखिए, फॉर का यूज हर किसी में हो रहा है, हर किसी टेंस के साथ जा रहा है. फॉर में सिर्फ आपको टाइमिंग अगर नहीं गिवन पॉइंट ऑफ दे रखी है तो आपको फॉर का यूज कर लेना है, और दूसरा अगर आपको हैज बीन नहीं दे रखा है तो आपको फॉर का यूज कर लेना है, ठीक है. तो यहाँ पर फॉर, बाकी सिंस के लिए आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बता ही दिया है कि भाई अगर आपको गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दिया है ना तो आंख बंद करके सिंस लगाओ विद परफेक्ट टेंसेस, ठीक है. ये हमारा सिंस और फॉर में डिफरेंस विद एग्जाम्पल एंड यूजेस. तो ये हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.